अपने मीडिया वाले साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए, स्कूल का जो है कवरेज की, गांधी जयंती की जो भी एक्टिविटीज थी उनको कवर किया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ, ये जो गांधी जयंती हम मनाते हैं ये हमारा एक नेशनल फेस्टिवल है, तो हर बार हम मनाते हैं लेकिन इस बार हमने कुछ थोड़ा अलग तरीके से हमने इसको मनाया। लोगों की फुल पार्टिसिपेशन रही और खासतौर पर जो बच्चे थे उनमें भी एंथुसियाज्म था, उनमें भी काफ़ी जोश जज्बा था कि हम इस बार गांधी जयंती को अच्छे तरीके से मनाएं। एक्चुअली हमारे जो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है हमारे देश की उन्नति में, हमारे देश की आज़ादी में, उसके बाद उन्नति में, और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही क्लियर है कि जो भी हमारे बेसिक इवल्स हैं सोसाइटी में, सोशल इवल्स जिनको हम कहते हैं, तो उन पे उन्होंने काफ़ी जो है अच्छा सिंपल सा जो है वो ज्ञान दिया हुआ है कि हम इसको कैसे मिटाएं। जैसे सबसे पहले जो उन्होंने वो जो तीन बेसिक चीज़ें जो बताई हैं, एक तो उनका जो है नॉन वायलेंस, दूसरा जो है ट्रूथ है, और जो मेन जो इम्पॉर्टेंट है वो है टॉलरेंस। तो इन चीज़ों को हमने बच्चों में बताया कि भाई इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑल दीज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कि इससे हम अपने देश को कैसे तरक्की की तरफ ले सकते हैं। उसके अलावा गांधी जी का बहुत ही एक मोटिव था कि क्लीननेस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा थ्रू आउट हिज लाइफ, राइट फ्रॉम हिज बिगनिंग टू एंड, तो उन्होंने हर हमेशा इस चीज़ को प्रमोट किया कि हम अपने माहौल को साफ रखें, साफ सफाई के क्या फ़ायदे हैं, हमारी माहौल की सफाई से हमारी खूबसूरती जो है अपने देश की कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो ये मैसेज भी हमने बच्चों के जरिए लोगों तक पहुंचाया। तो हमने एक क्लीनेस ड्राइव की थी 1 अक्टूबर 10 बजे जो है स्वच्छता है सेवा, तो उसके तहत हमने पूरे बच्चों को अपने सोसाइटी में लिया और ये जो चीज़ें होती हैं उनको हमने एरियाज दिखाए कि कहाँ पे हमने कौन सी चीज़ को कैसे प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, जिसमें पॉलीथीन ज्यादा आता है जो बिल्कुल नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो बच्चों को ये कंसेप्ट हमने दिया कि डिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल कंसेप्ट क्या है, और हम अपने इस एनवायरमेंट में इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पर्टिकुलरली जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जिसमें प्लास्टिक आइटम्स आती हैं, उसका मिनिमल यूज कैसे हम करें और अपने माहौल और अपनी जो है सैनिटेशन को हम कैसे बरकरार रखें। थैंक यू, वेलकम सर, थैंक यू।